नमस्कार दोस्तों, गार्डन व्यू पॉइंट पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका गार्डनर दोस्त। फ्रेंड, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैसे आप स्थल कमल को पॉट में ग्रो करेंगे, उसी के बारे में। इस प्लान का बहुत सारा नाम है, जैसे कि हिबिस्कस, मुटाबिलिस, लैंड लोटस, स्थल कमल, कॉटन रोज। पूरा वीडियो देखते रहिएगा अपडेट के साथ है। फ्रेंड, ये जो स्थल कमल का प्लांट है, ये टॉप में भी ग्रो कर सकते हैं आप, मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। इसको कटिंग से बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। इसका जो सॉइल मिक्सिंग मैंने इस पॉट में लिया है वो है 50% गार्डन सॉइल, 30% ऑर्गेनिक कंपोस्ट और 20% मैंने रिवर्सन लिया है। और फर्टिलाइज़र मैंने यूज़ किया है काउडंग। मंथ में एक बार मैंने डी कम्पोस्ट काउडंग मेरे पास है, मैंने उस पर मिलाया है मिट्टी पर। और फूल आने का जो सीज़न है उससे पहले इसमें मैंने मिलाया है लिक्विड मस्टर्ड केक का, जो ये देखिए लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो मैं मिला है। इस प्लांट को सूरज की रोशनी बहुत पसंद है। आप इस प्लांट को सूरज की रोशनी में रखेंगे तो इसका जो फ्लावर का साइज़ है वो बहुत ही बड़ा होगा और बहुत सारा फ्लावर आएगा। इस प्लांट में अक्टूबर से फ्लावर लगता है और नवंबर दिसंबर तक ये प्लांट में फ्लावर लगा रहता है। इस प्लांट में वाटरिंग मत करिएगा। ओवर वाटरिंग से क्या होगा, इसका जो रूट है वो गल सकता है, इसमें फंगस लग सकता है। ये जो हिबिस्कस मेटाबलिस का प्लांट है, इसमें मिलीबग बहुत लगता है, इसलिए आपको स्प्रे करना पड़ेगा मिलीबग के लिए। आप इसके लिए नीम ऑयल भी स्प्रे कर सकते हैं या बाज़ार से ख़रीदा हुआ कोई भी मिलीबग का जो स्प्रे मिलता है वो भी आप इस पर स्प्रे कर सकते हैं। और एक चीज़ है, इस पर आप जो लिक्विड सोप है वो भी स्प्रे करेंगे तो मिलीबग से आपको रिहाई मिलेगा। देखिए प्लांट कितना हेल्दी है, ये प्लांट बहुत ही हेल्दी है। मेरा ये प्लांट देखिए कितना खूबसूरत फ्लावर खिला है, ये दो फ्लावर एक साथ में खिला है। तो फ्रेंड, अगर आप घर पे ये लैंड लोटस लगाना चाहते हैं, स्थल कमल का प्लांट टॉप में, तो ये मेरा वीडियो में मैंने जैसे बताया है वैसे आप लगा सकते हैं। ये कटिंग लगाने का टाइम अभी है, दिसंबर से ही आप कटिंग इसको लगा सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नया वीडियो लेके मिलती हूँ। बाय बाय।